Welcome to online class. In previous video, I have already started chapter 1, which as you taught, and now I will try to complete this chapter. Okay? Those who have book, please open your book and get your book. And those who have not, if it is possible, you will buy from this book. Okay? कल हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर के बारे में एसयू चॉट मिस्टर पॉपी एक पर्सन है वो डिसाइड पर्सन वो लॉन्ली रहते हैं एक फ्लैट में वो लॉन्ली रहते हैं अपने वर्क से रिटायर कर चुके हैं और जिस फ्लैट में वो रहते हैं उन्हें दो चीज़ से बहुत प्रेम एक उनकी लाइफ में दो ही चीज से उन्हें प्रेम था एक फर्स्ट उनका लव था फ्लावर्स जो बहुत ज़्यादा वो अपने बालकनी में ग्रो करते थे पूरा बालकनी में भरा रहता था फ्लावर से एंड सेकेंड लव कुछ सीक्रेट था जो सिर्फ उनके अंदर छिपा हुआ था उस जिस फ्लैट में रहते थे उसके बिलो में दूसरा बालकनी था जिसमें एक लेडी मिडिल एज लेडी रहती थी वो भी एलॉन थी मिसेस सिल्वर वो मिसेस सिल्वर से बहुत सालों से प्यार करते थे लेकिन वो शाय पर्सन थे इसलिए कभी ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज लव टू हर ओके वो अपने प्यार को कभी भी उसके सामने वो एक्सप्रेस नहीं कर सके थे एंड मिसेस सिल्वर वो नहीं जानती थी कि मिस्टर पॉपी के लाइफ में जो सेकेंड लव है वो मिसेस आपस में बातचीत होता था लेकिन वो लोग कभी वो इस दौरान अपने फीलिंग को व्यक्त नहीं कर पाए मिसेस सिल्वर के आगे मिसेस सिल्वर तो वो प्यार करती थी मिसेस सिल्वर के पास एक पेट था टॉर्टोइस जिसका नाम एडी था वो उसी से प्यार करती थी और अपने सारे समय उस पर वो स्पेंड करती थी और वो चाहती थी कि उसका टॉर्टोइस है वो जल्दी से बढ़े तेजी से ग्रो और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी क्योंकि जो भी वो पिक्चर्स देखती थी बड़े बड़े टॉर्टोइस का कि उसके बैक पर वो बैक के नाइट पर जा रहे जाते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता था और वो चाहती थी कि इसी तरह से मेरा जो टॉर्टोइस है वो भी हो जाए तो जब मिस्टर पॉपी को इसके बारे में पता चलता है जब वो उसके सामने ये बात हो रखती है तो वो कहते हैं वो बताते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका ये टॉर्टोइस जो है वो तेजी से बढ़ेगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए वो क्या ट्रिक बताते हैं मिस्टर पॉपी जो है वो कौन सा ट्रिक बताते हैं जिससे उनकी इच्छा पूरी होगी उससे सिल्वर जो चाहती है कि उसका टॉर्टोइस तेजी से बढ़े वो कैसे पूरा होगा Wait here, he said. I will have to go in and write something down for you. वो कहते हैं मिसेस सिल्वर से ठीक है आप ये मैं आता हूँ आपके लिए कुछ लिख कर लेकर आता हूँ इन ए कपल ऑफ मिनट्स मिस्टर पॉपी वाज बैक ऑन द बालकनी विद अ शीट ऑफ पेपर इन हिज हैंड आई एम गोइंग टू लव इट टू यू ऑन ए बिट ऑफ स्ट्रिंग ही सेड और ही माइट गो अवे हियर इट्स कम देखिए वो थोड़ी ही देर में लेकर आते हैं शीट ऑफ पेपर अपने हाथ में और उसको लोअर करते हैं ताकि वो मिसेस सिल्वर तक पहुंच जाए और उस शीट ऑफ पेपर मिस्टर सिल्वर तक पहुंच जाता है ठीक है पेपर है पेपर में कुछ लिखा हुआ है और वो शीट ऑफ पेपर मिस्टर सिल्वर तक पहुंचता है मिस्टर सिल्वर नॉट द पेपर एंड हेल्ड इट इन फ्रंट ऑफ हर दिस इज व्हाट सी रीड जब मिस्टर सिल्वर के पास पेपर आता है वो उसे खोलती है और देखती है तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है व्हाट डज इट मीन सी आस्क्ड वो कहती है ये क्या है इज इट अनदर लैंग्वेज क्या ये कोई दूसरा भाषा है देखिए अगर आप पास बुक में देख रहे होंगे कि ये चीज़ देखिए बुक में ये क्या भाषा है क्या लैंग्वेज है किसी को समझ में नहीं आ रहा है और मिस्टर मिसेस सिल्वर की समझ में भी नहीं आ रहा है ये कौन सा लैंग्वेज लिखा हुआ कुछ भी क्या कोई अनदर लैंग्वेज है इस टॉर्टोइस लैंग्वेज मिस्टर पॉपी कहते हैं ये टॉर्टोइस का लैंग्वेज है टॉर्टोइस की भाषा है टॉर्टोइस आर वेरी बैकवर्ड क्रिएचर टॉर्टोइस जो होते हैं वो बहुत बैकवर्ड क्रिएचर मतलब पिछड़ा होते हैं
they can only understand words that are written backwards. इसलिए वो ऐसा ही सब समझता है जो पीछे की तरफ से लिखा हुआ हो. That obvious, isn't it? If you turn the words around into human language, they simply say. वो कहते हैं कि अगर इसी भाषा को हम ह्यूमन लैंग्वेज में टर्न करें, चेंज करें, तो वो ये होगा. देखिए, अगर हम उसमें इस लैंग्वेज को यहाँ तो रूप में देखिए, इस यहाँ तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन इसी वर्ड्स को अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करें तो क्या लिखा हुआ है देखिए. टॉर्टोइस गेट बिगर बिगर, कम ऑन टॉर्टोइस, ग्रो अप, पॉप अप, शूट अप, स्ट्रिंग अप, ग्लो अप, स्प्रिंग अप, जॉज, जजर, स्टॉप, गर्ल, पुट ऑन फैट, टॉर्टोइस, पुट ऑन फैट, गेट ऑन, गॉगल फुट. अब आप समझ गए होंगे कि एसयू टॉट मीन्स क्या हुआ. अब इसको सीधा करके लिखेंगे, देखिए क्या है. अगर इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो पी ओ आर पी ओ आई एस तो ट्वाइस हुआ. तो अब आप समझ गए होंगे कि एसयू चॉट मीन्स इससे क्या हुआ, तो ट्वाइस. ओके, तो ये यहाँ जो लिखे थे ये बैकवर्ड था, और इसको ये जब सीधा करके बताते हैं लैंग्वेज, ये ह्यूमन लैंग्वेज में जब इसको हम सीधे वर्ड्स में लिखेंगे तो ये इस तरह से होगा. वो कहते हैं इस वर्ड्स को आपको अपने को फेस के पास लाना है और उसे धीरे धीरे उसके कान में बोलना है. एक दिन में तीन बार, मॉर्निंग, नून एंड नाइट, एक दिन में तीन बार उसको बोलना है. तब देखिएगा वो धीरे धीरे, मतलब जल्दी ही वो जैसा आप चाहते हैं वो ग्रो होगा. उसका जो प्रैक्टिस करते हैं, आफ्टर ही वॉज डन विथ मिसेस सिल्वर, प्रैक्टिस करने के बाद मिसेस सिल्वर प्रैक्टिस करती है मिस्टर कॉफी के साथ. एंड मिस्टर कॉफी विजिटेड एवरी पेट शॉप इन द सिटी टू चूज हिज टॉर्टोइस. उसके बाद मिस्टर कॉफी क्या करते हैं कि वो मार्केट जाते हैं और मार्केट में जाकर वो पेट शॉप विजिट करते हैं. क्यों करते हैं देखिए. ही चूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट sizes when he had finished. Mr. Bobby in his enthusiasm had bought no less than 140 tortoises and he carried them home in baskets 10 or 15 at a time. वो वहाँ जाते हैं और different sizes के tortoises वो चूज करते हैं और वो उत्साहित हैं. वो एक साथ वो इतना सारा, मतलब 140 tortoises वो लिए हैं, बाइक लिए हैं, खरीदे हैं, और एक ही बार तो उसे ले जाना संभव नहीं था. तो 10 और 15 करके एक बास्केट में कैरी करके वो इतना सारा, मतलब 140 टॉर्टोइस को अपने घर ले जाते हैं. बिफोर ही रिटायर्ड मिस्टर हॉफी हैड बीन ए मैकेनिक इन अ बस गैरेज. ही वेंट बैक टू हिज ओन प्लेस ऑफ वर्क. व्हाट ही हैड टू डू नाउ वाज टू मेक समथिंग दैट वुड रीच डाउन फ्रॉम हिज होम बालकनी टू मिसेस सिल्वर्स बालकनी एंड पिक अप. This was not difficult for a mechanic like Mr. Dobby. देखिए, इसके बाद वो क्या करते हैं कि जिस जगह से वो रिटायर किए थे, पहले वो रिटायर करने के पहले वो एक बस गैरेज में काम करते थे, मैकेनिक का काम करते थे, वह उसी जगह पर जाते हैं. अब वो उनको क्या करना है, उनका प्लान क्या है, ये हम देखेंगे कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो मिसेस सिल्वर के बालकनी तक पहुँच सके वो चीज, क्योंकि वहां से उनको पिकअप करना था मिसेस सिल्वर का टॉर्टोइस. दिस वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर ए मैकेनिक लाइक मिस्टर हॉपी. लेकिन ये मिस्टर हॉपी के लिए ये भी डिफिकल्ट काम नहीं था कि किस तरह से मिसेस सिल्वर के बालकनी से वो उनके टॉर्टोइस को पिकअप करेंगे. क्या करते हैं देखिए, उसके लिए वो क्या प्लान बनाते हैं. फर्स्ट ही मेड टू मेड लॉस ऑफ ए
सबसे पहले वो एक क्लॉज और फिंगर्स बनाते हैं, मीन्स जिस चीज से हम किसी चीज को पिकअप कर सके, है देखिए चल देखिए ठीक है। और एक लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं, ये देखिए लॉन्ग मेटल ट्यूब्स बनाते हैं लंबा, और देखिए यहाँ अटैच करते हैं, यहाँ वो अटैच किए हैं उस क्लॉज को, फिंगर्स को वो अटैच किए हैं कि अब वो किस तरह से उससे टॉयज को पिकअप करके अपने पास लेकर आएंगे। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, मिसेस सिल्वर हैड अ पार्ट टाइम जॉब, और मिस सिल्वर जो थी वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। शी हैड वर्क फ्रॉम ए नून अंटिल 5 o'clock एवरी डे आफ्टर लुक इन अ शॉप दैट शॉल न्यूज़पेपर एंड स्वीट्स। वो ऐसी जगह ऐसे शॉप में काम करती थी जहाँ उन्हें दोपहर से 5 शाम बजे तक जाना होता था, वहाँ न्यूज़ पेपर और स्वीट्स सॉल्व किया जाता था। That great thing a lot easier for Mr. Hoppy. अब मिस्टर हॉपी के लिए ये बहुत ईजी हो गया करना, क्योंकि जब मिसेस सिल्वर घर पर नहीं होगी तब वो ये काम करेंगे, किस तरह से पिकअप करेंगे सरप्राइज को अपने, और वो लाएंगे अपने बालकनी में वो लाएंगे, ये हम देखेंगे। और जब उन्हें पता चलता है कि मिसेस सिल्वर घर पर नहीं है, जब वो काम पर गई है, उससे वो अपना काम शुरू करते हैं। सो ऑन दैट फर्स्ट एक्साइटिंग आफ्टरनून आफ्टर ही हैड मेड श्योर दैट मिसेस सिल्वर हैड गॉन टू वर्क, मिस्टर हॉपी वेंट आउट ऑन हिज बालकनी आर्म विद हिज लॉन्ग मेटल पोल, ही कॉल्ड हिज सिस्टर वाइज कैचर, ही लीन ओवर द बालकनी रेलिंग्स एंड लोअर द पोल डाउन इनटू मिसेस सिल्वर्स बालकनी बिलो। As he was basking in the pale sunlight in the balcony. आज बहुत exciting afternoon है, आज वो sure है कि मिसेस सिल्वर जो है वो अपने काम पर जा रही थी, और मिस्टर हॉपी को आज अपना काम शुरू करना था। वो क्या करते हैं देखिए, अपना वो जो मेटल की जो बनाई थी वो कैच करने के लिए जो टॉर्च को, उसको नाम दिए थे टॉर्च कैचर, ठीक है, कुछ देर के लिए जाना है राइड पर, यात्रा पर, कुछ दिन के लिए तुम्हें यात्रा पर जाना है, और उसे भी पिक करने की कोशिश करते हैं उसी मेटल रोड से। ही विल द टॉर्टोइस कैचर की क्लॉज गिव अप एंड ही, अब उसे कैच करने के लिए किस तरह से कैच करते हैं, जितनी देर वो इधर से उधर हिलने लगता है, इधर से उधर अपना साइड बाई साइड तक होता है, और ये देखिए जब तक कि उसे कैच नहीं कर ले, किस तरह से वो उसे पिकअप करते हैं, the cloth was tightly over the sail like two fingers of hand, he hauled Alfie up on his own balcony, it was easy। देखिए उसी के सहारे वो उसे अपनी Alfie को अपने बालकनी में ले लेते हैं, और ये उनके लिए इजली हो जाता है ये काम कि इसके सहारे वो उसे पिकअप करते हैं और अपने बालकनी में From his vast collection, it was not difficult for Mr. Hoppy to find just the tortoise he wanted. He wanted one that weighed 15 ounces exactly on his kitchen scales, no more and no less. अब तो बहुत सारे tortoise buy करके आए थे, हम लोगों को बताया, and ये difficult नहीं था उनके लिए कि वो जिस तरह का tortoise चाहते थे उस collection में से उनको मिल जाए। तो सबसे पहले वो wait करते हैं एक tortoise, एक टॉर्टोइस का जिसका वजन होता है 15 ounces उसका वजन होता है, वो अपने किचन स्केल से उसके वजन को वेट करते हैं, नो मोर और नो लेस, ना ही 15 ounces से ज़्यादा ना ही उससे कम। उसके बाद वो क्या करते हैं देखिए, उसके बाद उनका क्या प्लान है देखिए, मिस्टर हॉपी टू टॉर्टोइस नंबर टू आउट ऑन टू द बालकनी एंड डिप इट इन द क्लॉज ऑफ हिज टॉर्टोइस कैचर, देन ही लोअर इट इनटू मिसेस सिल्वर्स बालकनी राइट बिसाइड द नाइस प्लेस वेयर ही स्टिल। उसके बाद वो अपने उसमें से नंबर टू टॉर्टोइस को वो उसी टॉर्टोइस कैचर के सहारे नंबर टू टॉर्टोइस को वो उसे सिल्वर की बालकनी में डालते हैं, जहाँ कुछ प्लेस लैटरिन रखा हुआ था वहाँ उसे डालकर छोड़ देते हैं, ठीक है।
एंड रेस्ट कराते थे। ऑन द आफ्टरनून ऑफ द सेवंथ डे उसे वहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद सेवंथ डे वो दोपहर तो में वह मिसेस सिल्वर आ रहे और जब मिसेस सिल्वर काम पर गई थी ही लिफ्टेड टॉयज नंबर टू फ्रॉम द बालकनी विंडो एंड ब्रॉट इट इन टू हिज लिविंग रूम। उसके बाद वहाँ से वो उस जिसको डाले थे सात दिन पहले उसे वो वहाँ से उठाते हैं फिर अपने लिविंग रूम में वो ले लेते हैं। एंड नंबर टू हैड वेट एग्जैक्टली 15 आवर्स और जब उसे वे वेट करते हैं तो एग्जैक्टली 15 आवर्स तक था। ही मस्ट नॉट फाइंड वन दैट वे एग्जैक्टली 17 आवर्स 2 आवर्स फोर और अब उसे ने ऐसा टॉर्टोइस खोजना था जिसका वेट 17 आवर्स हो 2 आवर्स मोर मतलब पहले वाले 15 थे अब ये 17 आवर्स 2 आवर्स मोर होना चाहिए। ये चैप्टर आज तो फिनिश हो गया लेकिन इसका बुक वर्क नेक्स्ट क्लास में इसका